नमस्ते बच्चों, आज गैफी झील की सैर पर जाने वाली है ताकि वो उसका चित्र बना सके। गैफी ने एक बैग लिया और उसमें एक किताब और पेंसिल बॉक्स रख दिया। गैफी घर से निकल झील की ओर चलने लगी। अब गैफी रेलवे पुल पर रुक गई और ट्रेन का इंतजार करने लगी। जैसे ही ट्रेन करीब आई, गैफी ने सोचा, ट्रेन में कितने डिब्बे होते हैं? क्या आप गैफी को ट्रेन के डब्बों की संख्या गिनने में मदद करेंगे? हाँ, मेरे साथ गिनो। इन ट्रेन में तो 49 डिब्बे हैं। क्या आप ग्रिड में 49 नंबर ढूंढ सकते हो? बिल्कुल सही, ये सही ब्लॉक है जिस पर 49 लिखा है। गैफी ने झील की ओर चलना जारी रखा। जब गैफी चल रही थी तभी उसने एक बड़े पेड़ के पास जमीन पर कुछ पत्ते देखे। गैफी ने सोचा, जमीन पर कितने पत्ते हैं? क्या आप गैफी को पत्ते गिनने में मदद कर सकते हैं? क्योंकि पत्ते बिखरे हुए हैं, गैफी पत्तियों पर मुहर लगाएगी ताकि वो जान सके कि उसने जमीन की सभी पत्तियों को गिन लिया है। देखो दोस्तों, जमीन पर 43 पत्ते हैं। क्या आप ग्रिड में 43 नंबर ढूंढ सकते हो? बिल्कुल सही, ये सही ब्लॉक है जिस पर 43 लिखा है। गैफी बेहद खुश होकर अब उस झील की ओर चलने लगती है जिसका वो चित्र बनाना चाहती है। जैसे ही वो झील के पास पहुंची, उसने देखा कि उसकी माँ फैनी झील से पानी पी रही थी। गैफी अपनी माँ से मिली और उसने उन्हें ट्रेन के डब्बों और पत्तों की गिनती के बारे में बताया। गैफी की माँ बहुत खुश हुई और उन्होंने गैफी को गले लगा लिया। बच्चों, अब बारी है आपकी। आपको इन वस्तुओं को गिनकर उनकी संख्या का पता लगाना होगा। आपके घर के बाहर एक पेड़ पर फूलों की संख्या, आपके बैग में किताबों की संख्या, आपके पेंसिल बॉक्स में क्रेयॉन की संख्या और फिर गैफी की तरह ग्रिड पर सही संख्या पर गोला लगा दें। अपना होमवर्क पूरा करूं। मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी। बाय बाय।